हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज के नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को दोस्तों डबल टैप से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को डबल टैप से ऑन ऑफ करना चाहते हो दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों ये बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आप देख सकते हो अगर मैं अपने होम स्क्रीन पर या लॉक स्क्रीन पर दोस्तों डबल टैप करता हूँ तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन इस तरीके से ऑफ और यहाँ पे इस तरीके से ऑन हो रही डबल टैप से बिना पावर बटन को यूज़ करें। दोस्तों अगर आप भी ये सेटिंग यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या कैसे कर सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सबसे पहले दोस्तों आप जैसे ही फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे दोस्तों आपके फ़ोन में स्पेशल फंक्शन सेटिंग शॉर्टकट आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे स्पेशल फंक्शन सेटिंग को हम अपने फ़ोन में ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो स्मार्ट पैनल शॉर्टकट सेटिंग को। दोस्तों आप इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप ऐसे राइट साइड से स्वाइप करते हो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन के स्मार्ट साइड पर शॉर्टकट सेटिंग से आप यूट्यूब वगैरह कैलकुलेटर ऐप गैलरी ऐप वगैरह यहाँ पर आप फ़ोन कॉल ऐप वगैरह यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा ऑफ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में दोस्तों गैसो सेटिंग्स पे दोस्तों आपके फ़ोन दोस्तों माइक्रो सेटिंग आ रही होगी, आपको उसको ओपन करना है और फिर यहाँ पर आपको टैपिंग भी दिख जाएगा। और दोस्तों आप इसको सर्च भी कर सकते हो अपने फ़ोन में टैपिंग वेक सेटिंग, तो भी आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। दोस्तों टैपिंग वेक को सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखे तो टैपिंग वेक मेरे फ़ोन में ऑन है। अगर आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग्स ऑन है, ये वाला फीचर दोस्तों आपके फ़ोन में ऑफ है, तो यहाँ से इसको ऑन करो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अगर आप डबल टैप करते हो अपने होम स्क्रीन पर ब्लैंक एरिया पर तो आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो और डबल टैप से फिर आप इसको ऑन कर सकते हो। दोस्तों इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो होम स्क्रीन के पेज पे यहाँ पे हम डबल टैप करेंगे ब्लैंक एरिया पे स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी बिना पावर बटन को प्रेस करें। अब तो बिना पावर बटन को प्रेस करें आप देख सकते हो फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करने के लिए, फ़ोन को अनलॉक करने के लिए ऐसे स्वाइप करोगे फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। जो भी आपका पासवर्ड है पिन है आप इंटर करोगे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से अपने फ़ोन दोस्तों डबल टैप से स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में टैपिंग वेक सेटिंग को ऑफ कर देते हो तो दोस्तों आप यूज़ नहीं कर सकते टैपिंग वेक सेटिंग को। और फिर दोस्तों आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को डबल टैप से ऑन और डबल टैप से ऑफ नहीं कर सकते। दोस्तों आप देखते हो अगर मैं डबल टैप करता हूँ फ़ोन की स्क्रीन ऑफ भी नहीं होगी और यहाँ पे मुझे पावर बटन को यूज़ करना पड़ेगा फ़ोन को लॉक करने के लिए, और फ़ोन को अनलॉक करने के लिए भी दोस्तों मुझे यहाँ पे पावर बटन को ही ऑन करना पड़ेगा। मतलब सोचो दोस्तों पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा स्क्रीन को ऑन करने के लिए। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में टैपिंग वेक को और डबल टैप से स्क्रीन को ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं स्टूडियो में, वापस ऑन करना चाहते हैं यहाँ से ऑन करना। बाय। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। बाय। थैंक यू गाइस।